बिहार में चमकी बुखार से हुई मौतों का आंकड़ा 85 तक जा पहुंचा है, जबकि 175 से ज्यादा बीमार हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे मुजफ्फरपुर के अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने नहीं आए हैं। तो सवाल उठता है कि मासूमों को मृत्यु दंड देने वाला आखिर कौन है? कौन है जिसकी वजह से नौनिहालों की जिंदगी दांव पर है? क्या सिर्फ एक मच्छर इन मौतों का जिम्मेदार है या फिर सरकार और प्रशासन? बिहार में आपातकाल लगा है। डेथ्स भी जो है बच्चों की जो कष्टदायक हैं, अत्यंत कष्टदायक हैं। हम इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि बिहार में मौत ने डेरा डाल रखा है। बिहार में मासूमों की जान जा रही है। पांच साल से कितने दिन से भर्ती था? क्या हुआ था? चमकी रहा था। अस्पताल से लाशें निकल रही हैं और जो बिस्तर पर पड़े हैं वो एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। नौनिहालों की खामोशी परिजनों को शूल की तरह चुभ रही है। तो डॉक्टर मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद जी जान से अपने काम में लगे हैं, मगर हालात हैं कि काबू में नहीं आ रहे, बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिहार में अब तक 80 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जो ICU के बंद कमरों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस मुजफ्फरपुर में महामारी का रूप ले लिया है और इससे अब तक 75 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 175 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। और यह तस्वीर है मुजफ्फरपुर के SKMCH के ICU का। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और जहाँ से भी बीमार बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं उनके इलाज के लिए डॉक्टर यहाँ पर तत्पर हैं। चमकी बुखार से बिहार में जो हाहाकार मचा है उसका सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है चार जिलों में। इंसेफ्लाइटिस से बिहार का मुजफ्फरपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और वैशाली जिलों में भी इंसेफ्लाइटिस ने कोहराम मचा रखा है। केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है और इसे सभी बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए उसकी दिशा में उसके शोध के लिए लगातार हमारे लेबोरेटरी काम कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि मंत्रियों की गंभीरता भी मासूमों को मौत का निवाला बनने से नहीं बचा पा रही। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में बच्चे लगातार आ रहे हैं, मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, नए मरीजों का भर्ती होना भी जारी है। तो तीमारदारों का आरोप है कि उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल SKMCH में जो बच्चा इलाज के लिए लाया जा रहा है वो जिंदा घर वापस नहीं लौट रहा। सुनिए किस तरह बिहार में बच्चों पर मौत का साया मंडरा रहा है। तब से यही देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बच्चा ICU में आ रहा है वो अच्छा होकर कोई नहीं जा रहा है, इधर से जो आ रहा है वो सिर्फ डेथ होकर जा रहा है। चमकी बुखार से मचे हाहाकार के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बिहार पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी थे और बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे भी। बीजेपी से लेकर JDU के तमाम नेता अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, मरीजों के तीमारदारों से मुलाकात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन इससे हालात बदलते नजर नहीं आ रहे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने ही चमकी बुखार से पीड़ित निशा नाम की एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। हर्षवर्धन यहाँ पर आईसीयू में मौजूद हैं, उनके तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे साथ में मौजूद हैं, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी हैं संजय कुमार वो मौजूद हैं और तमाम लोग अभी अंदर में आईसीयू में मौजूद हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उसी दौरान निशा नाम की एक बच्ची है जो कल शाम में भर्ती हुई थी, राजेपुर की रहने वाली है और उसने बिल्कुल राजवर्धन के सामने में ही उसने दम तोड़ा है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि स्थिति क्या है। जाहिर है मामला गंभीर है तो राजनीति भी अपने चरम पर, नेता बच्चों की मौत पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। ये बहुत ही चिंता का विषय है राज्य सरकार को और साथ में आज केंद्र सरकार को पूरी तरह से इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी सेंटर की टीम भेजी है, साथ साथ राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और उसके पहले डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और बिहार में एम्स के डॉक्टरों का एक दल, कुल मिलाकर के अब स्थिति को नियंत्रण में लाए जाने के लिए पूरी ईमानदार कोशिश हो रही है और बहुत जल्द इसके नतीजे दिखेंगे। नीतीश कुमार जी की पूरी सरकार के अंदर पिछले बहुत वर्षों से ये मर्द हर साल इसी तरह से आता है और बहुत सारे बच्चों की जान लेकर के चला जाता है, रिसर्च करने की बात होती है। वैसे आपको बता दें कि इस मौसम में बच्चों की सबसे ज्यादा मौत बिहार के SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में हुई, संख्या 83 के करीब बताई जा रही है, जबकि स्वास्थ्य सचिव का दावा है कि मुजफ्फरपुर के दोनों अस्पतालों में अधिकृत रूप से अब तक 79 बच्चों की मौत ही हुई है। विशेष व्यवस्था की गई है चिकित्सा की और अतिरिक्त बेड्स का भी, यहाँ पर एक अतिरिक्त वार्ड भी आज सृजित किया गया है 16 बेड्स का, क्योंकि विगत 3 दिनों से काफ़ी गर्मी और उमस का क्लाइमेट रहा है, जिसके कारण नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में गरीब परिवार के बच्चे जो पहले से कुपोषण का शिकार होते हैं वो रात का खाना नहीं खाते और सुबह का नाश्ता करने के बजाय खाली पेट लीची खा लेते हैं। इससे भी शरीर का ब्लड शुगर लेवल अचानक बहुत ज्यादा लो हो जाता है और बीमारी का खतरा रहता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वो बच्चों को खाली पेट लीची बिल्कुल न खिलाए। तो सवाल ये कि क्या लीची खाने से बिहार में बच्चों की मौत हो रही है? क्या चमकी बुखार से मचे हाहाकार के पीछे लीची है? जिस चमकी बुखार ने बिहार में मौत का तांडव मचा रखा है, जिस चमकी बुखार यानी कि एंसेफलाइटिस से चारों तरफ मातम पसरा है, वो चमकी बुखार है क्या? कैसे ये मस्तिष्क ज्वर मासूमों को पहले अस्पताल पहुंचाता है और फिर धीरे धीरे उनकी सांसें थम जाती है। दरअसल इस बीमारी का पूरा नाम एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम है, जिसे जापानी बुखार भी कहते हैं। देसी भाषा में इसे चमकी बुखार कहा जाता है। एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम से सबसे ज्यादा नौजवान और बच्चे पीड़ित होते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास और मुजफ्फरपुर के पास के इलाकों में इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा है। उसमें भी ग्रामीण इलाकों में एंसेफलाइटिस ज्यादा तेजी से फैलता है। धान की फसल में जमा पानी में क्यूलेक्स नामक मच्छर पैदा होते हैं। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से बच्चों में तेज बुखार आता है, जिसे एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ ये वायरस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इट इज ए इंसेफेलोपैथी और यू कैन से बेटर इट इज ए मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी। जैसे कि इसमें ब्लड शुगर की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, पोटाशियम की भी कमी हो जाती है या पोटाशियम बढ़ भी सकती है, मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट डिरेजमेंट इसमें होती है। जापानी बुखार यानी कि इंसेफेलाइटिस का वायरस शरीर के संपर्क में आते ही सबसे पहले सीधे दिमाग पर असर करता है। दिमाग में इस वायरस के पहुंचते ही ये रोगी के सोचने, समझने, देखने और सुनने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। इस वायरस से
ज्यादातर 1 से 14 साल के बच्चे और 65 साल से ज्यादा के लोग ही चपेट में आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस बीमारी का प्रकोप सबसे ज्यादा साल के 3 महीनों अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ही रहता है। तो आपको बता दें कि इसके लक्षण हैं तेज बुखार का लगातार बने रहना, तेज सिर दर्द और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होना, मानसिक असंतुलन, कंफ्यूजन, अचेतना और कोमा जैसी स्थिति। मरीज लकवे के साथ लिम्फेटिक फाइलेरिया या हाथी पाव तक का शिकार हो सकता है। पेशेंट आते हैं वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड रहते हैं, ब्लड शुगर की कमी रहती है, तो उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करने पर वो 100% ठीक तुरंत हो जाते हैं। और दिक्कत तब होती है जब बच्चे लेट से आते हैं, 4 घंटा 5 घंटा में आते हैं, चाहे एक दिन कहीं लोकल अस्पताल में रह गए, उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशन स्टेज में आते हैं, उसमें हम लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इंसेफ्लाइटिस पर गुरुग्राम के मानेसर के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में कई सालों से रिसर्च चल रही थी, जिसमें मीनोसाइक्लिन नाम की दवा तैयार की गई है। फिलहाल इस दवाई का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, तो अब तक जितने भी ट्रायल हुए हैं उनके नतीजे इस बीमारी पर काबू पाने की उम्मीद को पुख्ता करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि फिलहाल जापानी बुखार, चमकी बुखार या कहें इंसेफ्लाइटिस ने कोहराम मचा रखा है, लिहाजा सावधान रहने की सख्त जरूरत भी है। साफ सफाई का ख्याल रखें, बर्तन या ड्रिंक्स शेयर न करें, मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनें, मच्छरदानी या कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करें, प्यूरिफाइड यानी कि साफ पानी ही पिएं, गंदे पानी के संपर्क में आने से बचें, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, बारिश के मौसम में बच्चों को बेहतर खान पान दें। बचने का सबसे बेहतर उपाय है अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस। मदर फादर को कहा जाए कि बच्चे को धूप में ना खेलने दें, दिन में 2-3 बार नहला भी सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सॉल्यूशन उसको पानी पिलाते रहें, जैसे नींबू पानी का शरबत हुआ, नमक चीनी का घोल हुआ, ORS का घोल हुआ, नारियल पानी हुआ, और रात में खाना सोने से पहले उसको खाना जरूर खिलाएं। 1963 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में पहली बार इंसेफ्लाइटिस का पता चला था। तब से अब तक इसका दायरा बढ़ता ही चला गया, खास तौर पर हिंदुस्तान, जहां मुफलिसी और गंदगी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। हालांकि इंसेफ्लाइटिस के लिए टीकाकरण की सुविधा भी, लेकिन अगर मर्ज जकड़ ले तो मरीजों को तुरंत इलाज दिए जाने की जरूरत होती है। एंटीवायरल दवाएं, स्टेरॉयड इंजेक्शन जैसे तरीकों से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। इसके अलावा देखभाल के साथ ही पूरा आराम और बुखार रोकने वाली दवाएं भी मरीजों को दी जाती हैं। फिलहाल मासूमों की मौत से बिहार में फैला मातम झकझोर रहा है, सिर्फ एक प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, उस हिंदुस्तान को जो विकास के नए पैमाने गढ़ने में लगा है, मगर अपने ही बच्चों को मौत की आगोश में जाने से नहीं बचा पाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस की वजह से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस की वजह से अब तक 85 बच्चों की मौत हो चुकी है और करीब 175 से ज्यादा बच्चे अभी इस जानलेवा बीमारी की चपेट में, जिनमें कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुजफ्फरपुर के SKMCH पहुंचे और वहां के हालात का उन्होंने जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में ही 5 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अधिकारी भी डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मौजूद रहे। वार्ड में जाकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मरीजों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की मौत पर मंत्री, अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक भी की। वहीं बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुजफ्फरपुर में हुए बच्चों की मौत पर दुख जाहिर किया है। राज्य की नीतीश सरकार ने इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों के परिवार को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जो है बच्चों की जो कष्टदायक है, अत्यंत कष्टदायक है, हम इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि किसी भी माता पिता के लिए उसके छोटे बच्चे का मृत्यु का शिकार होना कितनी बड़ी तकलीफ का कारण हो सकता है, और उनकी तकलीफ की कल्पना करके ही हम सबको बेहद तकलीफ होती है। जो यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ की नर्सिस हैं, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के प्रेशर में और जिस प्रकार की परिस्थिति में मैंने उनको काम करते हुए देखा,
जो समय पर आ गए उनको बहुत ही इसे कहते हैं बेहतरीन तरीके से उनको ठीक करने का और उनको वापस स्वस्थ करने का काम भी डॉक्टरों ने और डॉक्टरों के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था ने बहुत अच्छी तरह से किया। जिन बातों की और आपने इंकित किया, हमारे मंत्री मंत्रालय बिहार सरकार मंत्री बिहार सरकार सब ने मिल करके इस बात को गंभीरता से लिया है और गंभीरता से हम लोग कर रहे हैं और इस प्रकार की बात कहीं इग्नोर करने की बात नहीं है। मैं आपकी भावना से अवगत हूँ और मैं आपकी भावना को कद्र करता हूँ। जो आपकी संवेदनशीलता है उससे हमारी संवेदनशीलता गहरी है। चेकअप के टाइम हुआ, जब मंत्री जी आए चेक करके गए, चेक करने के थोड़ी देर बाद सब तो सही था, उसके बाद में डेथ हुआ। तो मंत्री जी आए थे तो पूरा सबको देख रहे थे जी, तो आपके बच्ची को भी देखे थे जी जी। क्या कहा मंत्री जी ने? हम उस टाइम हम पूछे नहीं, ज़्यादा कुछ, काफ़ी भीड़ था इसलिए हम बाहर थे और हमारे जो माता जी हैं वहाँ बैठे थे, इनको तो कुछ मालूम नहीं पड़ता। ये बीमारी कैसे फैलता है और इसके लिए क्या आप लोगों ने उपाय किया है? देखिए, हमको इस उपाय का, ये उपाय एडमिनिस्ट्रेशन का और इनका है, सिविल सर्जन का। हम यहाँ पे प्राइमरली ट्रीटमेंट से कंसर्न है, मेडिकल कॉलेज को पेरिफेरी का कार्य नहीं करना है, उसको अपने अस्पताल का कार्य करना है। वैसे जो सरकार का एडवाइजरी जाहिर हुआ है उसमें सभी बच्चों को इस धूप से, उमस से, गर्मी से बचाना है, इस मौसम में ज़्यादा पानी पिलाना है, ज़्यादा स्नान करना चाहिए जिसमें कि उसको बच्चे का टेम्परेचर ना बढ़े। अगर बुखार हो जाता है और कोई बेहोशी जैसा सिम्टम मिलता है या उल्टी होता है तो तुरंत वो अस्पताल चले आते हैं। आप लोगों ने अब तक क्या क्या उपाय किया है? ये उपाय में हमको प्रोटोकॉल बना हुआ है जो किसको क्या देना है, कौन सी फ्लूइड देनी है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, अगर कन्वल्सन होता है तो 4-5 दवाइयाँ हैं उसमें से किसी एक को यूज़ करना है, और साथ में अगर बेहोशी बहुत हो जाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन घटता है तो उसको वेंटिलेटर पर डाला जाता है। लेकिन मोस्टली को हम लोग देख रहे हैं कि किसी को भी ऑक्सीजन हमारा कंसंट्रेशन उसके बॉडी में 95 से नीचे नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिमागी सूजन का है जिसके चलते बच्चे मर रहे हैं। और अभी भी लगातार देखा जा रहा है कि बच्चे आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने आगे की क्या तैयारी की? ये तैयारी अब अस्पताल में जो क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार हम लोग काम किए जा रहे हैं और क्षमता से ज़्यादा ही काम किए जा रहे हैं। एक एक बेड पर 2-3 दिन पेशेंट को रख के इलाज कर रहे हैं, लेकिन इलाज तो कर रहे हैं। ये अप्रिसिएट होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि आपको बेड का कमी है, हमको इलाज करने दिया जाए। हम 2 बेड, किसी बच्चे ने आज तक, उनके परिजन ने ये नहीं कहा जब 2 बेड पर क्यों हमारा इलाज हो रहा है। वो बेड नहीं देखने आते हैं, वो अपने इलाज के लिए आते हैं, हम इलाज उनका कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं पटना। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन जुड़ गए हैं लाइव। चंद्रमोहन, अब पूरा अमला मौके पर पहुंच रहा है, केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य के मंत्री पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लेकिन 85 मौतों पर मरहम, इस जायजा और दावों से कम नहीं लग सकता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यह महामारी का रूप ले लिया है आज के वक्त में, इंसेफेलाइटिस, यह तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग और बाकी जो प्रचार प्रसार की बातें पहले की जाती थी वो बिल्कुल तरह से फेल नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि अब तक 85 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 175 बच्चे अभी भी मुजफ्फरपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम पूरी तरह से फेलियोर है और जो यहाँ की स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। अगर आप तस्वीरों की बात करेंगे तो यहाँ पर सुबह में बच्चा भर्ती होता है और शाम में उसका डेड बॉडी यहाँ से वापस जाता है। जो भी बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं उसमें शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जो ठीक से अपने घर तक वापस जा पा रहा है। तो यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि पूरी तरह से सिस्टम फेल है, क्योंकि यह बीमारी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार मुजफ्फरपुर में होते आया है और हमेशा यही कहा जाता है कि अगले बार अब इसको लेकर उपाय किया जाएगा और लगातार सुझाव की भी बात की जाती है, प्रचार प्रसार की भी बात की जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हुई है। और यही वजह है कि आज भले ही स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री हों, सचिव हों, या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हों, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हों, तो यहाँ पर पहुँचे, मीटिंग किए, सब कुछ देखा और आगे भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर पहुँचने और कार्रवाई की बात करने से नहीं होगा, क्योंकि 2014 में भी
ही मंत्री थे और यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने कहा था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन वो अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। और जो स्थिति अभी यहाँ पर दिख रहा है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि अगर 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर बारिश नहीं हुई मुजफ्फरपुर में, अगर मूसलाधार बारिश नहीं हुई, तो यह तादाद सीधे तौर पर दोगुना हो जाएगा। ऐसे में अभी सचेत रहने की जरूरत है और लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है, ताकि ऐसी नौबत फिर दोबारा ना देखने को मिले। बिल्कुल चंद्रमोहन, और कार्रवाई की भी जरूरत है कि अब जल्द से जल्द जो बाकी मरीज हैं उनको इलाज मिले। आप रही हमारे साथ, अपने दर्शकों को बता दें SKMCHC के जो शिशु रोग विभाग के हेड हैं डॉक्टर गोपाल शंकर सानी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इंसेफेलाइटिस होने की मुख्य वजहों के बारे में जानकारी दी। इंसेफेलाइटिस से बचने के उपाय भी उन्होंने बताए। हमारे साथ मौजूद हैं SKMCH के चाइल्ड डिपार्टमेंट के HOD गोपाल शंकर सहनी। डॉक्टर साहब, आखिर ये इंसेफेलाइटिस है क्या और ये कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इंसेफेलाइटिस का लिटरली मीन्स है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। और मैं ये भी बता दूं कि इंसेफेलाइटिस हैज बीन रूल आउट इन दिस रीजन by the intensive study in the 2011, 12 and 30 by NIV Pune, NCDC Delhi, CDC Atlanta. मतलब यहाँ ये वायरस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इट इज़ ए इंसेफेलोपैथी, और यू कैन से बेटर इट इज़ ए मेटाबोलिक इंसेफेलोपैथी। जैसे कि इसमें ब्लड शुगर की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है, पोटाशियम का भी कमी हो जाती है, या पोटाशियम बढ़ भी सकती है। मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट डिरेजमेंट इसमें होती है, इसी को हम लोग इंसेफेलोपैथी कहते हैं। और ये मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इट इज़ ड्यू टू हीट स्ट्रोक, क्योंकि मैंने सिंस 2005 से इस पर वर्क कर रहा हूँ। जब जब इन मुजफ्फरपुर के टेम्परेचर 38-40 प्लस ह्यूमिडिटी मोर देन 60% या 70% जब रहने लगे, तब इसका आउटब्रेक शुरू हो जाता है। और इसमें वायरस पर काफ़ी रिसर्च भी, लेकिन वायरस तो करीब करीब रूल आउट हो चुके हैं। और भी मैं बता दूँ कि इसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटी भी हम लोग का वही है जो मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हीट स्ट्रोक। जैसे पेशेंट आते हैं वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड रहते हैं, ब्लड शुगर की कमी रहती है, तो उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करने पर वो 100% ठीक तुरंत हो जाते हैं। और दिक्कत तब होती है जब बच्चे लेट से आते हैं, 4-5 घंटा में आते हैं, चाहे एक दिन कहीं लोकल अस्पताल में रह गए, उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशन स्टेज में आते हैं, उसमें हम लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या उपाय है? बस बचने का सबसे बेहतर उपाय है अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस। मदर फादर को कहा जाए कि बच्चे को धूप में ना खेलने दें, दिन में 2-3 बार नहला भी सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सॉल्यूशन उसको पानी पिलाते रहें, जैसे नींबू पानी का शरबत हुआ, नमक चीनी का घोल हुआ, ORS का घोल हुआ, नारियल पानी हुआ, और रात में खाना सोने से पहले उसको खाना जरूर खिलाएं। मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस का कहर लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर के DM आलोक रंजन घोष ने इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत और मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। 342 पेशेंट्स अब तक जो है यहाँ पर भर्ती हुए हैं, उसमें 100 मरीज जो है वो ठीक होकर यहाँ से अभी डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। शेष जो मरीज बच रहे हैं उनका इलाज चल रहा है केजरीवाल अस्पताल में, और SKMCH में विशेष व्यवस्था की गई है चिकित्सा की, और अतिरिक्त बेड्स का भी यहाँ पर एक अतिरिक्त वार्ड भी आज सृजित किया गया है 16 बेड्स का, क्योंकि विगत 3 दिनों से काफ़ी गर्मी और उमस का क्लाइमेट रहा है, जिसके कारण नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। 19 तारीख को या उसके पश्चात जो है मानसून आने की संभावना है और अपेक्षा की जा रही है, जैसा कि जनरल ट्रेंड रहा है, बारिश होने के बाद इस बीमारी के इंसिडेंस में थोड़ी कमी आती है। जितनी जल्दी हम लोग इस त्रासदी से उबर सके, हम लोग का प्रयास है, प्रशासन, सारे चिकित्सक और सभी जन सामान्य सब लोग काफ़ी व्यथित हैं जो घटनाएं चल रही, जो घटनाक्रम है, क्योंकि मासूम बच्चों की जान जा रही है। जागरूकता के लिए विशेषकर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया है अभी वार्ड स्तर पर, और हम लोगों ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और ANM और आशा के माध्यम से प्रचार प्रसार के अभियान जो चल रहा था उसको और सघनता हम लोग ने दी है। साथ ही 6 एम्बुलेंसेस की विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और वहाँ से बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद यहाँ पर रेफ़र करने की सुविधा दी गई है। निश्चित तौर पर SKMCH एक पुराना अस्पताल है और एक अच्छी व्यवस्था की अपेक्षा जो है जन सामान्य के बीच में भी है, तो कई अभिभावक जो हैं सीधे यहाँ पर लेके आ जा रहे हैं। इसी में थोड़ी लापरवाही जो हो रही है, जो विलंब हो रहा है, क्योंकि इस आप जैसा कि अवगत हैं इस रोग के बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को उपलब्ध नहीं है, शोध का कार्य चल रहा है,
कि किस कारण से रोग हो रहा है, लेकिन कुछ सिम्टम्स जो है हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही क्लियर है क्योंकि एन्सेफलाइटिस इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन पॉजिटिव इसका क्या मुख्य कारण है उसका अभी हम लोग खोज नहीं कर पाए, जिसका प्रयास चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन लगातार बने हुए। चंद्रमोहन, आपने सुना शासन से लेकर प्रशासन और डॉक्टर सभी कह रहे हैं कि लापरवाही पेरेंट्स की तरफ से होती है, परिजनों की तरफ से होती है, वक्त पर नहीं लाते, लेकिन हम तो तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से एक एक बेड पर कई कई बच्चों को रखा गया था। हालात तो वहां से भी दुरुस्त नहीं किए गए थे जहां से उम्मीद थी, और अब दावे हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एसकेएमसीएच में जो भी पहुंच रहा है वो इस उम्मीद के साथ पहुंच रहा है कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन जो भी यहां पहुंच रहा है वो तो उसमें से शायद ही कोई बच्चा है जो ठीक होकर यहां से घर तक वापस जा रहा है, क्योंकि यहां की स्थिति भी ठीक नहीं है। जो आईसीयू है वो पूरी तरह से फुल है, एक एक बेड पर दो दो तीन तीन बच्चों का इलाज हो रहा है, दवाई भी कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा है, क्योंकि कल जो बातें सामने आई थी उसमें साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो आईसीयू के इंचार्ज थे उन्होंने यह कहा कि दवाई की भी कमी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है, स्वास्थ्य विभाग लापरवाह है, और जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका भी ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि मौत का तादाद जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और आगे क्या होगा यह भी कहना काफी मुश्किल नजर आ रहा है अभी। चलिए, शुक्रिया चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए।